एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर रमेश कुमार, नमस्कार करता हूँ आप। आज चित्रकूट ग्राउंड में जो ये फ्री मेडिकल कैंप महाआरोग्य शिविर लगा है, इसके अंदर हमारी फिल्म फ्रेटर्निटी का, हमारे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे फिल्म स्टार्स फ्रॉम हेमा मालिनी टू शत्रुघ्न सिन्हा टू म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स, अनूप जलोटा साहब, शान, बहुत 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 इतने लोग हैं कि मैं उनका अगर नाम बनाता हूँ तो एक लंबी लिस्ट है। जॉन नीवर साहब, बहुत लोग हैं। तो आज इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य यही था कि हम जो लास्ट ऑफ द लाइन जिसे बोलते हैं, जो हमारे वर्कर्स जो सबसे पीछे रहते हैं, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के वर्कर्स हैं, उनके बारे में कुछ भी आता है। फिल्म इंडस्ट्री के वर्कर्स दिन रात मेहनत करते हैं, उनके साथ साथ जो उनका परिवार होता है, वो परिवार जो है इतना सक्षम नहीं हो पाता अपने पुत्र या पुत्री की आय से जो अपने आप को चला सके, तो उनको मेडिकल सुविधाएँ देना, व्हील चेयर देना, मेडिसिन देना, स्पेक्टिकल देना, बल्कि कैटरेक्ट के ऑपरेशन के लिए लोगों को हम जो है पर्चियाँ दे रहे हैं, लेटर दे रहे हैं, बाद में जाके वो फ्री ऑपरेशन करा सकते हैं। चित्रकूट मैदान में जो इस बॉलीवुड के लिए 1,00,000 लोगों को मेडिकल कैंप लगा है, बहुत ही अच्छा है। और उस मेडिकल कैंप में सब वो फिल्म इंडस्ट्री के जितने सारे वर्कर्स हैं, उनकी सुविधा देने के लिए, उनका चेकअप होने के लिए एक ज़रूरत है, और उनकी पूरी फैमिली जो उनके साथ रहती है उसका चेकअप होना जरूरी है। इसलिए धर्मेंद्र जी और उसके पूरे साथियों ने जो ये मेडिकल कैंप लगाया, बहुत ही अच्छा लगाया है। एंड मैं दुआ करता हूँ आगे बहुत साल तक आप जे और ऐसे ही मेडिकल कैंप सब लोगों के लिए करते रहिए। थैंक यू सर। सर आपको देखिए, मैं बॉम्बे में रहता हूं और अभी तक 27 सालों में 29,000 से ज़्यादा हेल्थ कैंप करके 3,55,00,000 पेशेंट देख करके और 96,000 से ज़्यादा सर्जरी करा करके हिंदुस्तान के हेल्थ के जीडीपी रेट को कैसे हम आगे बढ़ा सकें, ये हमेशा हमारी सोच रही है। इसी कड़ी में ये के भी है और इसी कड़ी में भूम परांडा में हम लोगों ने 2 दिन में 3,07,000 पेशेंट देख करके, अरे बंद करना भाई, क्या तमाम तरह की फैसिलिटी देख करके हमने तकरीबन 2,200 से ज़्यादा लोगों को अलग अलग तरह के ऑपरेशन करवा करके मराठवाड़े के इतिहास में हम लोगों ने एक बड़ा इतिहास रचने का काम किया। इसमें बड़े भाई के तौर पर, आशीर्वाद के तौर पर हमेशा इनका सपोर्ट रहा और हम लोगों ने कोशिश किया कि चाहे कोई भी हो, हर आदमी मराठवाड़ा का, वो हर आदमी स्वस्थ दिखे और स्वस्थ रहे, ये हमारी कामना थी और हम लोगों ने सफलता हासिल की। सर्टिफिकेट तो मिलते रहते हैं, सर्टिफिकेट हमारा कोई बहुत बड़ा ये नहीं था, सर्टिफिकेट वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सर्टिफिकेट दे दिया, हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। बट हमारी कोशिश है कि मराठवाड़ा का कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य चिकित्सा के अभाव में माननीय हेल्थ मिनिस्टर तानाजी राव के जी के सपोर्ट से, हमारे शिवाजी महाराज जी के सपोर्ट से, किसी को अस्वस्थ हम नहीं देखना चाहते हैं न देखेंगे। चलिए, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू कहना चाहूँगी और सारे सीनियर्स और महान गज लोग यहाँ पे हैं, सब कुछ बोल चुके हैं। एंड आई कैन जस्ट से कंग्रेचुलेशंस टू 365 डॉक्टर टीम एंड धीरज जी, इतना अच्छा इनिशिएटिव करने के लिए और सबके बारे में सोचने के लिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर एंड यू इनवाइटेड मी, आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसे सब लोग मूड में है ना, ताली मारो ना घपा घप। वेल, बहुत बहुत शुक्रिया 10-12 तालियों के लिए। आज के इस
आज के इस माहौल में इतनी कम तालियां बज रही हैं, जब कलाकार आपके सामने हो, इतने बड़े बड़े कमाल के हस्तियां आपके सामने हैं, और आपकी ये बात है, अब लग रहा है कि 5,000 पब्लिक मेरे सामने है। भगवान करे आप सबकी लॉटरी निकल जाए, आपके बिजली का बिल कम आ जाए, है ना, और इसी तरह मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई लव यू ऑल। सिंगिंग सेंसेशन ऑफ दिस इंडिया, लेडीज एंड जेंटलमैन, भूमि त्रिवेदी फॉर द सॉन्ग राम लीला। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज माय डियर फ्रेंड्स। प्रणाम आप सभी को, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, सारे महानुभाव जो यहाँ पे उपस्थित हैं, मेरा वंदन मेरा प्रणाम आप सभी को एंड ऑल द गेस्ट्स हु आर हियर। हो राम चाहे लीला, चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। ओ इनका तो फंडा है सिंपल सा यार, गोली मारो तो पंगा, आंखों मारो तो प्यार। Having me here, thank you. Thank you, Dr. 365, for calling me here. बहुत अच्छा initiative है, बहुत बड़ा initiative है, और मुझे लगता है कि हमारी industry को ये ऐसा initiative हमारी industry को मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। मैं हमेशा हमेशा एक सबको कहता हूँ कि कोई भी आप industry देखें, भले वो manufacturing हो, भले वो कोई भी और तरह की industry हो, कहीं इतना togetherness नहीं है जहाँ पे हर शो, हर मूवी हो या टेलीविजन हो या कोई भी चैनल का कोई भी शो हो। एंड सर भी इस चीज़ को मानेंगे कि हमारे में इतनी यूनिटी है कि हम लोग निस्वार्थ सेवा में बिलीव करते हैं। ये हमारी इंडस्ट्री से सीखने की चीज़ है, सारी इंडस्ट्री को, हिंदुस्तान की सारी इंडस्ट्री को ये चीज़ सीखना चाहिए, क्योंकि हम लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं, और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो डॉक्टर 365 डिग्री डॉक्टर साहब और सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कर रहे हैं। हाथ में देके गलती कर दी। सर ने मुझे बोला है कि 10 शब्द बोलिए। 10 से ज्यादा बोलने नहीं। मैंने कहा लोग तो 2 शब्द बोलते हैं, कहते जितने बंदे हैं उतने बोलने पड़े। तो थैंक यू वेरी मच सर। पहले तो दिन में जो इतना बड़ा काम किया गया है आपको उसकी मुबारक है, क्योंकि आज के दौर में ये काम सबसे जरूरी है कि अगर हेल्थ है तो सब कुछ है ज़िंदगी में, तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो आपने किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच।
साथ जो कुछ भी किया यहाँ पर सिर्फ दिल से किया और ऊपर वाले से कनेक्शन लगा करके किया, मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया। बट मुझे अच्छा लगता है कि जब इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं और डॉक्टर धर्मेंद्र जी ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। और धीरज कुमार जी, मैं आपको भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी और शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आप इतने अच्छा इनिशिएटिव लेकर के आपने इतना अच्छा कदम बढ़ाया। वैभव शर्मा जी को मैं जब पहली बार हमारी बात हुई एंड वी कुड कनेक्ट इंस्टेंटली बिकॉज सबसे पहले ही इज़ अ म्यूज़िक लवर एंड अ वेरी ब्यूटीफुल ग्रेट ओरेटर। सो आपके साथ बात करने में बड़ा मज़ा आया मुझे और काफ़ी सारी बातों के बारे में मुझे आपके बारे में पता चला। एंड सबसे पहले डॉक्टर 365 जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं बॉलीवुड का सबसे बड़ा मेडिकल कैंप जिसका नाम है बॉलीवुड महा आरोग्य शिविर, और ये जितने भी फ्रेटर्निटी के लोग हैं उनके लिए ये स्पेसिफिकली आई थिंक ये शिविर पहला है दूसरा पहला है पहला, पहला तो इससे पहले तो मोर देन 29,000 मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं आरके शिविर से सचिन के सेंटर के माध्यम से, लेकिन पर बॉलीवुड के लिए ये पहला मेडिकल कैंप है जो अपने आप में इतना बड़ा हिस्टोरिकल मेडिकल कैंप। सो इट्स अ ग्रेट न्यूज़ क्योंकि आई थिंक जितने भी आर्टिस्ट हैं उनकी लाइफ बहुत ही इरेगुलर है एंड ऑफ कोर्स ये एक ब्लेसिंग भी है और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है कभी कभी कि आप बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, अच्छी अच्छी जगहें देखते हैं, आप परफॉर्म करने भी जाते हैं लोगों के लिए, शूट करने भी जाते हैं। सो डिपेंड्स ऑन कि आप एक आर्टिस्ट्री में किस फील्ड में है एग्जैक्टली, एक्टिंग में है, सिंगिंग में है, कंपोजिंग में, और अगर आप ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट टू मीट अमेजिंग पीपल ऑन द गो। लेकिन जो लाइफ होती है वो काफ़ी अनसर्टेन और इरेगुलर होती है एंड उसके चलते अगर ये थॉट रखा जाए कि बॉलीवुड डॉक्टर 365 जो मीडिया के लोगों के लिए और बॉलीवुड के लोगों के लिए सारे आर्टिस्ट के लिए अगर ये कैंप मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये बहुत बहुत बड़ी बात है एंड इट्स अ ब्यूटिफुल ग्रेट इनिशिएटिव। आई रियली वॉन्ट टू थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि इतना बड़ा स्टेप लेना और अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है हर किसी को एंड डेफिनेटली आर्टिस्ट, क्योंकि बहुत ही आर्टिस्ट अपनी खुद की दुनिया में रहते हैं, कभी कभी खाना भूल जाते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं, टाइम पे सोना भूल जाते हैं, और उसके चलते जो कभी कभी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके चलते मुझे लगता है कि आज ये जो दिन है इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल दी आर्टिस्ट जो अपनी शायद हो सकता है कि बहुत बिजी लाइफ में से हेल्थ चेकअप के लिए वो टाइम नहीं निकाल पा रहे, लेकिन आज ये बॉलीवुड महा आरोग्य शिविर जो ऑर्गेनाइज हुआ है, ये जो कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है, इस इनिशिएटिव को मैं सलाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। बहुत खुशी हो रही है आज जनता के बीच में आके, और जो भी लोग मीडिया के लोग और जो उसके स्टाफ उसके वर्कर जो लोग भी यहाँ पे आए उनको हमारी तरफ से जितना हो सका उतना हम लोगों ने मदद करने की कोशिश की, जहाँ तक हो सका व्हील चेयर देने का कोशिश किया, स्पेक्टिकल देने की कोशिश किया, पूरा फुल बॉडी चेकअप कराने का कोशिश किया, और मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे आके
उसका फ़ायदा उठाया। बहुत आदमी ने व्हील चेयर लिया है और आके लेके गए हैं और हमारे काम का फ़ायदा उठा के गए। इस इवेंट के माध्यम से हमने देखा है बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग यहाँ पे हैं जिनको बहुत चीज़ों की ज़रूरत है लेकिन वो चीज़ उनके तक पहुँच नहीं पाती है। तो हमारी एक कोशिश है, हमारी कंपनी की तरफ से हमारी पूरी कोशिश है कि वो सारी चीज़ अपने उन लोगों तक पहुँचे जिनको सख्त ज़रूरत है। और उसके लिए हमने ये 360 डॉक्टर 365 का जो फ्री मेडिकल कैंप है, ट्रस्ट के लेवल पे जो काम हो रहा है, सारे से सारा जो सामान वगैरह है उसको फ्री में देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। टीकाकरण के बारे में काफ़ी लोग आए जी। बहुत नमस्कार सर, सबसे पहले मैं अपना मीडिया बंधु लोगों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ कि आप लोगों ने आकर इतना बड़ा कवरेज लिया, इतना बड़ा प्रोग्राम का, तो सबसे पहले आपका स्वागत और अभिनंदन। रही बात जो आके अच्छे हुए रिसेप्शन केयर सेंटर जो है, ये तो वर्ल्ड नोन कैंसर केयर सेंटर जो है, इनका मेडिकल कैंप में अगर आज का दिन में आप गूगल में भी सर्च करोगे वर्ल्ड का बिगेस्ट मेडिकल कैंप, तो आके अच्छे हुए रिसेप्शन केयर सेंटर का नाम आ जाएगा। और मैं खुश हूँ मेरा कि मैं इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ा हूँ और कम से कम लोगों को उसको सेवा प्राप्त करने का मुझे मौका मिला। सर आपका परिचय दीजिए और आज मेडिकल कैंप काफ़ी अच्छा रहा बताइए। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र, चेयरमैन डॉक्टर 365। लास्ट 3 महीनों से ये प्लानिंग चल रही थी कि फिल्म इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनको हम मेडिकली सपोर्ट दे करके जो डिप्रेशन की अवस्था में गुजर रहे थे मीडिया एंड मेडिकल के कुछ तबके के लोगों के लिए, तो उसमें डॉक्टर 365 का एक सपोर्ट दे करके उनके ज़िंदगी को कैसे खुशहाल कर सकें, ये हम लोगों ने 3 महीने पहले प्लानिंग किए। एंड आज आपके सामने है कि हमने तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा की मेडिसिन मंगवा करके, 200 से ज़्यादा व्हीलचेयर मंगवा करके, तमाम हज़ारों की तादाद में चश्मे मंगवा करके, और हमने 2-2 लाख रुपए का ई श्रम कार्ड दे करके लोगों को हमें खुशहाल देखना चाहता था, जो आज हमने ये सारी फैसिलिटी दे करके हमने बड़े लोगों के ऊपर मुस्कुराहट देखते हुए मैंने देखा। और मेरा कोशिश यही ख़त्म नहीं होगा, अगले साल 14 जनवरी के लिए हमने फिर से अनाउंस कर दिया कि इसे 20 टाइम्स ज़्यादा बड़े लेवल पे इस तरह के कार्यक्रम फिर मैं आयोजित करूँगा और कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मुहिम में लोगों को बेनिफिट देकर के खुशहाल बॉलीवुड में देखना चाहता हूँ, जो कि मैं करना चाहता हूँ। डॉक्टर 365 का एक ही नारा स्वस्थ भारत देश हमारा, उस मुहिम में हमने सितंबर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे पे एक दिन में 1,07,000 पेशेंट देकर के मोदी जी को बहुत बड़ा स्वागत दिया। और आज़ादी के अमृत महोत्सव पे ये आज के दिन आज इतने सारे पेशेंट देख करके, चाहे आप मीडिया के फैमिली का की बात हो या बॉलीवुड की फैमिली की बात हो, आज लोगों ने इस कार्यक्रम में बहुत शिरकत के साथ आए और उसका बेनिफिट लिया। एंड उनके चेहरे पे मुस्कुराहट मैंने पहली बार देखा, मैं ये मुस्कुराहट सदा देखना चाहूँगा और देखते रहना चाहूँगा। पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी, इट्स अ वेरी नोबल थिंग जो 365 डॉक्टर टीम कर रहे हैं, एंड धीरज कुमार जी जो हमेशा हमारे बॉलीवुड और प्रेस वालों के लिए आगे रहते हैं, तो हमारा तो फ़र्ज़ बनता आने के लिए। मैंने बाइट्स भेजी थी बट आई वॉज शूटिंग फॉर माई शो इन मडाइलैंड, सो वहाँ से जितनी जल्दी मेरी कोशिश थी मैं आ गई, एंड थैंक गॉड ख़त्म होने से पहले मैं आ गई हूँ। सो आई कैन जस्ट से कंग्रेचुलेशन टू एंटायर टीम एंड कीप डूइंग दिस वर्क, एंड ऑब्वियसली इंडस्ट्री का हम सबका साथ हमेशा साथ में रहेगा।